उसे सवाल कर रहे थे कि तुमने बाबर आजम को मर्सिडीज देनी भी है कि नहीं, तो आज मैं चाबियां लाई हूं अपने बाबर आजम के लिए। बाबर आजम, हम पाकिस्तानियों की खुशियों की चाबी आपके पास है और मर्सिडीज की चाबी मेरे पास है, यही मैं आपको दे सकती हूं। प्लीज आज सेंचुरी करते हो, ये मर्सिडीज की चाबी ले जाए मेरी। ये मर्सिडीज आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए जितना करा जाए कम है, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ यही ऑफर कर सकती हूं। तो बाबर आजम प्लीज आज सेंचुरी करते हैं और प्लीज हम पाकिस्तानियों को सर फखर से बुलंद करते हैं। देखिए आपकी खिदमत में एक और शेर अर्ज़ है, कभी खुशी कभी कम, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, बाबर आजम नहीं है किसी से कम। वाह क्या बात है, चाबी जो आप लाई हैं बाबर आजम के लिए, अगर उन्होंने सेंचुरी कर ली फिर आपको पता है कि उनको गाड़ी देनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल, और मैं दूंगी। ये गाड़ी तो कुछ भी नहीं है, मेरा दिल करे मेरा बस है तो मैं बाबर आजम पे अपना घर, अपने पैसे जो भी है मेरे पास सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। बाबर आजम ने आपकी वीडियो देखी है जिसमें आपने उनसे मर्सिडीज का वादा किया है, तो आप उनको कैसे, अगर वो कर जाते हैं तो कैसे उनको ये मर्सिडीज देना चाहेंगे? बाबर आजम, ये तो आपको खुदा के मुझसे मर्सिडीज लेनी पड़ेगी, चाबी मेरे पास है, आप मेरे पास आएँ और प्लीज़ ही ले जाएं। या मुझे नहीं पता बाबर आजम, प्लीज़ आप कोई रिस्पॉन्ड तो करें, इतना तो मेरा हक बनता है ना, नहीं बनता क्या? बनता है। ये बताएं आप साथ अपने फैमिली भी लाइए, आप अपने साथ एक बुक भी लाइए, तो क्या करेंगी आप? क्योंकि आप मैच के दौरान आप पढ़ेंगे भी, मेडिसिन की स्टूडेंट हैं। मेरा एक रिजल्ट आने वाला और एक और एग्जाम है, और मेरे जो ना एग्जाम कभी रुकते नहीं, मेडिकल स्टूडेंट की पढ़ाई हमारी जिंदगी कभी नहीं छोड़ती, हमारी जान नहीं छोड़ती, तो मेरे एग्जाम की तैयारी भी है, लेकिन मैं पाकिस्तान को कैसे पीछे छोड़ सकती हूँ? पाकिस्तान के लिए तो मुझे हमेशा टाइम निकालना पड़ेगा, पाकिस्तान इज माई टॉप प्रायोरिटी, इसलिए मैं पढ़ाई भी करूँगी और पाकिस्तान को भी सपोर्ट करूँगी। तो मैं आपके लिए हूँ, क्या पाकिस्तानी टीम आप हमारे लिए हैं? जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, अल्लाह करे आप बन जाएं, तो उसके बाद आप क्या बाबर आजम के लिए, डॉक्टर बनने के बाद भी कोई ऐसा काम है जो आप करेंगी, या उस वक्त भी आप समझती हैं कि बाबर आजम की स्टिल इतनी फैन होगी जितनी आप आज? जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तब तो मेरे पास और आसाइशें और जो ना रिसोर्सेज होंगी, तब तो मैं इससे ज्यादा भी फैन होंगी बाबर आजम। सिर्फ बाबर आजम नहीं, ये सिर्फ बात बाबर आजम की नहीं, पाकिस्तान की, जब मेरी पाकिस्तान की मोहब्बत बढ़ती रहती है, जब मैं दूर रहती हूँ, जब कोई भी, आई थिंक सारे बैरून ममालिक, सारे ब्रिटिश पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तान इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जब अपने मुल्क से दूर रहते हैं तो आपकी दिल में जो मुल्क की मोहब्बत होती है वो और ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो हमेशा जो ना मैं बाबर आजम के लिए मौजूद रहूँगी, और मैं तो आपको फ्री इलाज दूंगी बाबर आजम, कोई भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए आई एम अवेलेबल, आपको, आपकी फैमिली को, पूरे पाकिस्तान को, मेरा बस चाहिए तो मैं पाकिस्तान का फ्री इलाज कर दूँ। आपने अगर पापा की मर्सिडीज बाबर आजम को दे दी तो वो क्या करेंगे, उन्होंने वो गाड़ी का बंदोबस्त कर रखा है या नहीं? तो वो देख लेंगे, अल्लाह देने वाला है। अच्छा, ये हमारे अभी की बात नहीं है, फ्यूचर नबिया की प्रॉब्लम है। अभी मेरा फोकस है बाबर आजम, पाकिस्तान और जीत पे, जीत के अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।